पूनम शर्मा जी। तो मनीषा जायसवाल जी, आप हिंदी में पाठ कर सकते हैं, कोई पाप नहीं है। पूनम शर्मा जी, गुरुजी प्रणाम। क्या हम अपने घर में, घर के अंदर बेल का पेड़ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। घर के अंदर अगर कोई पेड़ अपने से लग जाए तो शुभ है या अशुभ? कुछ पेड़ शुभ होते हैं, कुछ पेड़ अशुभ होते हैं। जैसे घर में, घर के अंदर तो तुलसी लगाना चाहिए, तुलसी लगें, या फिर जो कीमती फलदार वृक्ष हैं, फलदार वृक्षों का घर में नहीं होना चाहिए, फलदार वृक्ष घर में नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि आपके घर के बाहर कोई आउटसाइड आपकी जगह हो, गार्डन हो, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। आपका खेत है, प्लॉट है, वहाँ। घर के अंदर फलदार वृक्ष नहीं होने चाहिए, विशेषकर केला का पेड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि केला का ऐसा कहा जाता है कि वो घर में, आप जैसे बृहस्पतिवार के दिन तो केला की पूजा होती है, तो केला की पूजा कर सकते हैं। गमले में केला लगाइए, जब केला बड़ा हो जाए, फलने की स्थिति आए, उस समय वो घर पे नहीं होना चाहिए। फलदार वृक्ष अच्छी जगह पर हो, ऐसी जगह पे जहाँ पे सब ठीक हो। बाकी वृक्ष कीमती वृक्ष, जैसे सागौन है, सागौन का वृक्ष आप अपने घर पे लगाएं, बहुत शुभ होता है। कीमती वृक्ष सागौन, सागौन की लकड़ी बड़ी कीमती होती है ना, तो कीमती वृक्ष घर, जैसे सागौन छाया भी देता है और शुभ भी होता है। और जैसे बड़े वृक्ष नहीं होने चाहिए घर में, जैसे पीपल, पीपल घर के अंदर होगा तो वो उसकी जड़ें आपकी नींव को, घर की नींव को कमज़ोर करेगी, डैमेज करेगी। इसलिए घर के बाहर, घर के सामने यदि कोई वृक्ष है तो कोई अशुभ नहीं है। वृक्ष यदि आपके घर में, जैसे आम है, अमरूद है, फलदार है, तो कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कटवाने लग जाएं, परंतु फलदार वृक्ष आप घर पर ना लगाएं और लगे हैं, फल दे रहे हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है, है ना। पर ना लगाएं, कहीं अच्छी जगह पर उनका, जो आपकी अपनी जगह हो, वहाँ पर आप उनको लगाएं। फलों में सबसे ज़्यादा दोष केले का है। केला छोटा सा गमला में है तो चलेगा, पर फल के समय वो घर पे नहीं होना चाहिए। घर के बाउंड्री के बाहर है आपका तो कोई दोष नहीं। रीता शर्मा जी, गुरुजी क्या गीता जी हम रोज पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मासिक धर्म में पढ़ना चाहिए? हाँ, सब समय पढ़ सकते हैं। मासिक धर्म में स्वाध्याय कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी चीज़ें पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, केवल भगवान को स्पर्श करने की मनाही की जाती है अशुद्धि के दिनों, बाकी और कोई दोष नहीं होता।